हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये देखिए, सुबह सुबह क्या हो रहा है, डांस चल रहा है। तो हाँ, ईशान डांस में बिजी है, स्लो मोशन में डांस कर रहा है। डम डम बाजी नहीं होता। वाह, पॉकेट भी हिलाता का भाई। कौन कौन डांस स्टेप है? तम उगल, तम तम उगल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बीमार हूँ और मेरा ईशान हेल्प कर रहा है बर्तन धोने में। अरे बाप रे बाप, मैं बर्तन धो रही हूँ, सर्दी बुखार है, थोड़ा देर सोई थी मैं, तो इतना धो लेती हूँ तो फिर खाना बनाऊँगी। और मेरा ईशान ये देखिए कैसे हेल्प कर रहा है। बाबू सोना सोना छोड़ दो बच्चा, मैं कर लूंगी। छोड़ दो बेटा, हम छोड़ दो कर ले ना, छोड़ दो मेरा बच्चा। खलो पप्पा इनके आईने फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी दोपहर के 1:20 हो रहा है, तो मैंने खाना बना लिया, सिंपल सा बनाया, पुलाव और आलू फ्राई, क्योंकि आज मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी थोड़ा देर मैं फिर सोऊंगी, फिर खाना के टाइम में उठ के खिलाऊंगी बाबू को। ईशान को 2 बजे हम लोग खाते हैं, तो इसलिए अभी टाइम है, आधा घंटा रेस्ट कर लूँ मैं। एकदम सर्दी पकड़ लिया है बहुत ज़ोरदार, ये सर पूरा मेरा दर्द हो रहा है। तो अभी कल जाऊंगी, आज नहीं गई क्योंकि पूजा करने में बिजी हो गई थी। आज मंडे है, सावन का पहला मंडे है, तो मैंने सोचा पूजा कर लूँ। मंदिर नहीं जा पाई, तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए तो मैं घर पे ही पूजा कर ली भगवान का, भगवान जी का। तो वो इसीलिए लेट हो गया था। और इडली बनाया था मैंने सुबह नाश्ते में, तो उसके बाद मैं सो गई। फिर उठी 12 बजे, 11 बजे मैं सोई थी, फिर 12 बजे उठी और अभी मैं खाना बना के आ रही हूँ। इतना सारा इडली का बर्तन हो गया था, वो सब धो रही थी। और आपने देखा ही होगा, मेरा ईशान बेचारा सोच रहा है मम्मी बीमार है बोल के जाके मेरा हेल्प करने चला गया था बर्तन वर्तन धोने। इतने छोटू से क्या धुलाई होगा, थोड़ा बड़ा हो जाए तो हेल्प करे मेरा। तो अभी बैठे हैं, सोनी नहा रही है, नहा के निकलेगी तो खाना मैं दूँगी बाबू ईशान को और सोनी को। और ये रहा मेरा ईशान, मोबाइल देख रहा है। अगर मोबाइल दो तो चुपचाप एक जगह बैठता है ना, तो बहुत परेशान करता है, कुछ कुछ सामान गिराते रहता है, क्या क्या पानी उनी सब फेंक देता है, तो इसलिए मोबाइल दे देती हूँ, थोड़ा देर शांत बैठो। तो आज नहीं जा पाई मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि 10 बजे तक ही बैठती है यहाँ की डॉक्टर, तो इसलिए नहीं गई। फिर कल जाऊँगी, कल तो सियोर जाना ही मुझे, क्योंकि नहीं लग रहा है कि ऐसे कोई भी दवाई खाने से ठीक होंगी। ये पूरा जकड़ गया है, सर्दी खांसी बहुत जकड़ गया है, अच्छा से ठंडा लग गया है यहाँ पे मुझे, क्योंकि वहाँ का आदत था हमें ऐसे पानी से नहा लेते थे, और यहाँ पे गर्म करना पड़ता है पानी, बिना गर्म किए नहाने से तो सर्दी पकड़े गई। फिर भी मैं नहाती थी गर्म पानी से, पर सर ठंडा पानी से धोती थी, सर भी धोना पड़ता है गर्म पानी से यहाँ पर, नहीं तो फट से पकड़ लेगा सर्दी।
तो इसलिए कल जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए, क्योंकि बीमार होती हूँ तो फिर घर का काम वैसे ही पड़ा रहता है, फिर कौन करेगा, इसलिए अपने आप को भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज तो पूजा करने में मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे, पूजा करो जाओ मत, तो इसलिए कल तो जाना ही है, जाऊंगी, अगर ठीक हो गई तो नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत ये लगता है डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता है। जितना हो सके मैं सोचती हूँ अपने से ठीक हो जाऊँ, ना मुझे दवाई पसंद है ना कुछ, तो इसलिए मैं नहीं जाने मांगती हूँ कि घर पे ठीक हो जाऊँ जैसे तैसे देखो कल अगर ठीक रही तो नहीं जाऊँगी, अगर ठीक नहीं रही तो फिर जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। देखिए फ्रेंड्स मैं एक कुर्ता सीन देखा, देखिए ये नेट का है, सिर्फ यहाँ पे आस पर है और हाथ ऐसे नेट का देख सकते हैं, और ये लटका और इसी का पेन अभी सी रही हूँ मैं, ये देखिए दो कुर्ती मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, बहुत ही अच्छा आया है इसलिए आपको सोचा दिखा दूँ। ये देखिए ये 400 कुछ का है, ये एक ही कोटा और एक ही कोटा है, ये बहुत ही लूज हो रहा है, इसको बहुत फिटिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं रखी हूँ यहाँ पे, पहले फिटिंग कर लूँगी, बहुत ही लूज है ये देखिए हाथ से और ये प्लाजो सेट है तो उसका प्लाजो ये, और ये दोनों एक साथ 500 में लिया है मैंने, बस ये कुर्ती का ज़्यादा दाम हो गया है, चल चलो खाए, चलो पुलाव और आलू फ्राई, चलो ले चलो ले चलो चलो जल्दी चल पुले चलो, हाँ चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो, हाँ कौन खाएगा, ईशान खाएगा क्या है, ईशान खाना खाएगा, ओहो हाँ देबे दब दब, दीदी को नहीं मिला, दब 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 ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपनी अपनी फ्रेंड्स के घर में आई हूँ और मेरे लिए चाय बना रही है और इनको मेहंदी लगाई, सोनी चाय तो पिलाने पड़ेगा, चाय तो बनता है, हाँ कितने दिन आई लेकिन कुछ नहीं खिलाई पिलाई, आज चाय पिला रही है मजाक कर रही हूँ, और ये है माया दीदी की बड़ी दीदी अनीता दीदी ना जी। और एक दीदी ऊपर है, निशु भी ऊपर है, अभी हम लोग भी ऊपर से आए हैं, ये माया दीदी जबरदस्ती लेकर आई चाय पी के जाने के लिए बोली है, आप आया जगह में, हाँ और फीस बनाने जा रही है, और हम लोग का तो खाना नहीं है, हाँ हम लोग का सावन चल रहा है तो मैंने कल लगाया था मेहंदी, ये देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, मैंने आज स्टार्ट किया है, हरी हरी चूड़ी भी लगा रही है, कंप्लीट हो जाएगा मेरा भी, तो पूरा सावन चढ़ गया है हम लोग के ऊपर, सावन तो आना चाहिए ना साल में एक बार, तो ये पूरा महीना हरी चूड़ी लगी रहेगी हाथों में और हरे कपड़े भी उतार दूंगी, हाँ उसके बाद फिर 30 आएंगे, फिर 30 में लगाएंगे हम लोग हरे और लाल, हाँ अब तो 30 त्योहार शुरू हो ही गया है, लाइन से एक एक करके आए गए, आधा आधा कप चाय तब याद आया वीडियो बनाने का, ये सोयाबीन आज को फ्राई करने जा रही हूँ, आज सोयाबीन बन रहा है, हाँ और ममता घर में क्या बन रहा है अब तो जाके पता लगेगा क्या बनाएगा, शाम के नाश्ते में मोमो खा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए सब लोग बैठे हैं मोमो खाने के लिए, और ये रात का डिनर लिट्टी और चोखा घी अचार सब है, तो आ जाइए आप भी साथ में खाते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।